चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग राउल्ट के नियम के बारे में जानेंगे और राउल्ट के नियम से संबंधित जो भी बेसिक बातें हैं और राउल्ट का नियम है क्या, सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और मैं गारंटी ठोकता हूं कि कहीं भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और सारी बातें बस अभी कभी ही आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अब देखो, राउल्ट का नियम होता क्या है, मैं जब हेनरी का नियम पढ़ा रहा था उसी समय बताया था कि जो द्रव और गैस का जो विलयन होगा उसमें हेनरी का नियम पढ़ेंगे, लेकिन जो द्रव का विलयन था उसमें हमें पढ़ना था राउल्ट का नियम। आज द्रव जो ठोस का विलयन था उसमें बता दिए थे कि आपको पढ़ना होगा अनुसंख्य गुणधर्म। तो हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ रहे हैं। तो राउल्ट का नियम जो होता है ना, एक द्रव्य विलयन पर आधारित होता है, मतलब द्विअंगी विलयन इसको कह सकते हैं। ये द्रव्य विलयन पर आधारित होता है। द्रव्य विलयन क्या होता है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फोकस करिएगा। द्रव्य विलयन में क्या होता है कि टोटल भाग द्रव होनी चाहिए। मतलब देखो, किसी भी विलयन में दो चीजें होती है, एक तो विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। तभी जाकर क्या होता है, देखो, जहां विलेय और विलायक सब क्या होनी चाहिए, द्रव ही होनी चाहिए। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक द्रव हो उससे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्य विलयन कहते हैं। तो द्रव्य विलयन के लिए ही हम लोग राउल्ट का नियम अप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पर विलेय भी आपका द्रव है, यहाँ विलायक भी द्रव है। कहने का मतलब है, दो तरह का द्रव ले लिए और यहाँ पर क्रिया करके एक नया विलयन बना लिए। और यहीं पर मैं आपको इस चित्र के द्वारा राउल्ट का नियम एकदम सिंपली समझाऊंगा, कहीं दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और साथ में लाइक शेयर कमेंट सब करिएगा, कहा कि बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। देख ही रहे हैं आप। देखिए, राउल्ट का नियम किससे समझते हैं, द्विअंगी विलयन चाहे द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय भी द्रव के रूप में और विलायक भी द्रव के रूप में हो, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, द्रव्य विलयन कहलाता है। अब मान लीजिए आपके पास द्रव एक है और ये द्रव दो है, मतलब दो तरह का द्रव ले लिया है, ठीक है ना। और इन दोनों द्रव को जब मिला दे रहे हैं तो आपका बन जा रहा है एक विलयन बन रहा है। अब इस विलयन पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर द्रव वन पर बात करते हैं। देखो, आपका ये द्रव है, आप कोई भी द्रव होता है तो उसको गर्म करेंगे तो क्या करेगा, वाष्प बनाएगा। तो मान लो कि ये द्रव है, इसका वाष्प दाब ये है, तो इसका जो वाष्प दाब है उसको पी वन नॉट ले लिए। क्या ले लिए, जो शुद्ध द्रव, ये मान लो कि आपका द्रव है, द्रव वन है, तो ले लिए कि द्रव वन का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, पी वन जीरो होगा। हाई जो द्रव है इसका वाष्प दाब ले लिए पी टू नॉट होगा, क्या पी टू नॉट चाहे पी टू जीरो ले लिए इसको, ठीक है। तो पहले द्रव का जो वाष्प है पी वन नॉट ले लिए और दूसरे द्रव का जो वाष्प दाब है उसको पी टू नोट ले लिए, ठीक है ना, दोनों का समझ गया। अब जब दोनों द्रव को आपस में मिला दिया गया तो यहां पर जो विलयन बनेगा उसमें द्रव वन भी होगा और द्रव टू भी होगा, द्रव वन भी होगा द्रव टू भी होगा। और जब इसको आप गर्म करेंगे तो ये भी प्रेशर बनाएगा, ये भी वाष्प दाब बनाएगा, ठीक है ना, ये भी वाष्प दाब बनाएगा। तो मान लिया कि द्रव जोन वन है उसका वाष्प दाब पी वन है और द्रव टू यहाँ पर जो है उसका वाष्प दाब पी टू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रेशर बन रहा है, क्योंकि कोई भी द्रव होता है उसको गर्म करेगा तो वाष्प बनाता है, एकदम बनाने है, बनाएगा ही तो बनाएगा। तो यहाँ पर द्रव जोन वन था, यहाँ पर सिर्फ जो अकेले द्रव था इसका वाष्प दाब पी वन नॉट लेकर चल दिए, इसका वाष्प दाब पी टू नॉट लेकर चल दिए। और ये दोनों को मिलाने के बाद जोन विलयन बन रहा है तो उसमें दोनों मिल गया, द्रव वन द्रव टू। तो यहाँ पर जोन द्रव वन है उसका वाष्प दाब हम लेकर चले पी वन और द्रव टू जो है उसका वाष्प टू लेकर वाष्प दाब लेकर चले पी टू, ठीक है ना। तो हमें इससे मतलब नहीं, यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है ना, यहाँ पर मेन फोकस आपको करना है। देखो बुआ, कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा यहाँ पर जल की संख्या होगी ना उतना ज्यादा ही प्रेशर बनाएगा। अब मान लो 100 ग्राम जल है तो 100 ग्राम ना बराबर प्रेशर बनाएगा। अब मान लो कि पूरा समुद्र भर जल है, चाहे आपके पास एक बाल्टी जल है, उस एक बाल्टी जल है और एक कटोरा जल है, अब दोनों को गर्म करिए तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन बनाएगा, एक बाल्टी वाला, मतलब सबसे ज्यादा दाब कौन लगाएगा, एक बाल्टी वाला, समझ में आ रही है ना। जिसके पास संख्या ज्यादा होती है वही प्रेशर बहुत ज्यादा लगाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर द्रव वन की संख्या यदि ज्यादा हो गई ज्यादा प्रेशर लगाएगा, यदि द्रव वन की संख्या कम होगी तो इसका मतलब कम प्रेशर लगाएगा। तो कहने का मतलब एक बात आप बताइए कि द्रव वन और द्रव टू की संख्या कौन बताता है, मोल प्रभाव जब पड़े हैं, मतलब मोल अंश पड़े हैं। मोल अंश क्या था कि किसी भी विलयन में उसके द्रव की संख्या, उसके द्रव के मोलों की संख्या आ नहीं तो उसके विलायक के मोलों की संख्या बताने का काम करता है, कौन करता है, मोल अंश, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो द्रव वन है इसके द्रव वन की संख्या, मतलब द्रव वन का जो मोल अंश है वो एक्स वन हो गया और द्रव टू का जो मोल अंश है चाहे मोल प्रभाज है वो एक्स टू ले लिए। ये मोल अंश क्या बताता है, तो किसी भी विलयन में विलेय चाहे विलायक की संख्या को बताने का काम करता है, कौन बताता है,
मोल अंश। तो इसमें द्रव की मात्रा की, द्रव वन की मात्रा कितनी है, द्रव टू की मात्रा कितनी है, ये सब बताने का आपका काम कौन करेगा, मोल अंश करेगा। कौन करेगा, मोल अंश करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर द्रव वन द्रव टू की संख्या कैसे मालूम करेंगे, तो मोल अंश से। तो मान लिया द्रव वन की संख्या मतलब मोल अंश एक्स वन है, और द्रव टू की संख्या कितना है एक्स टू है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज अभी कवर करवाया था कि द्रव की संख्या, द्रव वन की संख्या बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, द्रव वन की संख्या घटेगी तो प्रेशर घटेगा, द्रव टू की संख्या बढ़ेगी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा और घटेगी तो उसका प्रेशर घटेगा। इसका मतलब है कि जब उसकी संख्या घट रही है मतलब मोल अंश घट रही है तो वास्तव भी घट रहा है, और जब उसका मोल अंश बढ़ रहा है तो वास्तव भी बढ़ रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो आपका मान लो कि पहले का द्रव वन है, ये जो द्रव वन है आपका, इसका वास्तव प्यों लेकर चले हैं तो वास्तव घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है ना। कब, जब उसकी संख्या घटेगी बढ़ेगी। इसका मतलब हो गया कि द्रव वन का वाष्प दाब उसके मोलों की संख्या के क्या है, समानुपाती होती है। समानुपाती वाली चीन आपको दर्शाती क्या है कि जब मोलों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा, और जब मोलों की संख्या घटेगी तो वाष्प दाब घटेगा। ये बात समझिएगा ध्यान से, बहुत जरूरी है। यही तो मैं आपका राउल्ट का नियम है कि राउल्ट का नियम आपका यही है कि जब किसी द्रव्य विलयन में, क्योंकि ये द्रव्य विलयन से ही संबंधित होता है, तो जब किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। मतलब वाष्प दाब जो होता है ना, मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर समझिए, फोकस करिए ध्यान से। ये द्रव टू है तो द्रव टू का वाष्प दाब पी टू लेकर चल दिए, क्या लेकर चल दिया, पी टू। तो यहाँ भी पी टू है, तो जब मान लो कि द्रव टू की संख्या बढ़ेगी तो उसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा। इसका मतलब कि पी टू भी समानुपाती होगा उसके मोल अंश के। तो पी टू का द्रव जो टू है उसका मोल अंश एक्स टू लेकर चल दिए, देख सकते हैं। द्रव वन का मोल अंश एक्स वन, द्रव टू का मोल अंश क्या लेकर चल दिए, एक्स टू लेकर चल दिए। तो ये जो आपका है ना, यही आपका क्या, राउल्ट का नियम है। समझ में आ गई बुआ, राउल्ट का नियम क्या होता है, समझ में आ रही है ना। और थोड़ा सा फोकस करते हैं यहाँ पर, देखो राउल्ट का थोड़ा गला फंस जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों का क्लास आजकल चल रही है, बहुत ज़्यादा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना भी रहा हूँ ताकि कहीं भी मतलब क्या ना, कोई भी टॉपिक आपसे छूटे नहीं और मैं आपका पूरी तरह से हेल्प कर सकूँ। बस आपका एक काम है कि वीडियो को यार शेयर करिएगा, बड़ी मेहनत हो रही है, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा वीडियो कैसा है, और अपने हर दोस्तों के पास पहुँचाइए जो बेटर से पढ़ना चाहते हैं, जिनको कुछ नहीं आता उनके पास पहुँचाइए, क्योंकि देख सकते हैं कितना मैं बेसिक से बताने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ आते हैं, राउल्ट का नियम देख रहे थे। तो कहने का मतलब द्रव के, द्रव वन की मात्रा बढ़ेगी तो उसका दाब बढ़ेगा, घटेगी तो उसका दाब घटेगा। इसका मतलब है कि जो द्रव वन है उसका दाब मोल अंश के समानुपाती होगा, ठीक है ना, और द्रव टू का भी वैसे ही हाल होगा, जब वो बढ़ेगा तो उसका दाब बढ़ेगा, जब घटेगा तो उसका दाब घटेगा। इसका मतलब मोलों की संख्या, द्रव टू की मोलों की संख्या बढ़ेगी तो उसका वाष्प दाब बढ़ेगा, घटेगी तो वो भी घटेगा। तो बात सीधे से इसका मतलब हो गया कि जो आंशिक दाब होता है किसी भी द्रव में, किसी भी विलयन में प्रत्येक द्रव का जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, वो किसके समानुपाती, उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। यही राउल्ट का नियम होता है। आप कैसे लिखेंगे राउल्ट के नियम को, तो लिखेंगे किसी भी द्रव्य विलयन का मतलब जिसमें विलायक और विलेय सब आपका द्रव, तो किसी भी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, तो इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। जो भी प्रेशर होगा किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, यही राउल्ट का नियम है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको आगे बढ़ाने का आप काम कर लीजिए ऐसा, देखिए है पी वन, जैसे समानुपाती हटा देंगे तो बराबर आएगा, बराबर लाएंगे तो एक नियतांक आता है, यहाँ पर नियतांक आपका आएगा पी वन नॉट, ये क्या होगा, तो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब होगा, क्या होगा, शुद्ध द्रव का लिए ना पी वन नॉट, यहाँ पर पी वन नॉट हो जाएगा ये एक्स वन, ठीक है। अगर यहाँ भी काम करेंगे तो आपका हो जाएगा पी टू, ये बराबर में लाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा पी टू नॉट एक्स टू, ये पी वन नॉट और पी टू नॉट क्या है, तो पी वन नॉट जो है ना, देख सकते हैं शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है, और यहाँ पी टू नॉट जो है शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव टू का वाष्प दाब आपका पी टू नॉट है, समझ में आ रही, ये पहले भी ले चुके हम। अब देखिए, अब मान लो कि आप कुल आपको दाब निकालना है, फोकस करिए आप पर, आपको कुल दाब निकालना है, कुल दाब निकालना है, कुल प्रेशर निकालना है, तो क्या करेंगे, कुल मान लो प्रेशर को आप पीटी ले लिए तो दोनों को जोड़ देंगे, पी वन प्लस क्या हो जाएगा पी टू, यहाँ पर मान पुट कर देंगे, पी वन का मान है पी वन नॉट एक्स वन और प्लस पी टू का मान है पी टू नॉट एक्स टू, ये आपका क्या है, तो कुल दाब आपका निकल जाएगा। एक बात है, देखिएगा x1 और x2 मतलब विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या को, योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, एक कहते हैं, यानी ये आपको बताया भी गया है कि x1 प्लस
एक्स टू का मान हमेशा क्या होता है, एक होता है। ये एक्स वन यहाँ पर विलय का मूल प्रभाज और एक्स टू क्या है तो विलय का मूल प्रभाज लेकर चले, मोल अंश लेकर चले, दोनों का योगफल हमेशा एक होता है, ठीक है ना। तो कुल यदि आपको निकालना पड़ेगा वास्तव दाब तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पी वन को और पी टू को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो आपका सीधी सी बात है ये आपका पूरा निकल जाएगा वास्तव दाब, ठीक है ना। ये बात की बात है, पहले आप राउल्ट का नियम समझे कि नहीं यहाँ पर फोकस करें। राउल्ट का नियम क्या है, तो किसी भी द्रव्य विलयन में, क्योंकि राउल्ट का नियम द्रव्य विलयन से संबंधित है, इस बात पर पहले ध्यान दीजिए। तो किसी भी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का, चाहे किसी भी द्रव्य विलयन में द्रव का आंशिक दाब चाहे द्रव का वास्तव दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। जितना भी वास्तव दाब होगा, वास्तव दाब बढ़ेगा कब, जब उसका मूल अंश बढ़ेगा। वास्तव दाब घटेगा कब, जब उसका मूल अंश घटेगा। तो किसी भी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का वास्तव दाब उसके मूल अंश के मूल प्रभाज के अनुभिन्नांक के समानुपाती होता है। मैं बता दिया कि मूल प्रभाज के कितने नाम होते हैं, ऐसे भी मूल प्रभाज मोलरता, मोललता, सामान्यता, विलयता, इस सब पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है ना। तो जाकर देख लीजिए, नहीं देखे तो एक बार देखिए, क्योंकि जब तक बेसिक में नहीं आएंगे ना तब तक कुछ बातें आपको बेटर से समझ में नहीं आने वाली है। तो समझ में आ गई होगी, राउल्ट का नियम किसे कहेंगे, तो किसी भी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। देख सकते हैं वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती है, वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती है, ठीक है, समझ गए होंगे राउल्ट का नियम क्या होता है। अब हम लोग फोकस करते हैं राउल्ट के नियम से संबंध जो ग्राफ है, उस ग्राफ पर जरा सा आप जोड़ डालिए, यहां पर साइड में समझिएगा राउल्ट के नियम का जो ग्राफ है, ठीक है, ध्यान से फोकस करिए राउल्ट के नियम का जो ग्राफ है। मान लो कि ये आपका मोल अंश है, ठीक है ना। तो मान लो कि जो द्रव वन है उसका मोल अंश स्टार्टिंग में जीरो है, और उसका जो द्रव टू है उसका मोल अंश आपका वन है। यहाँ पर लेकर चलते हैं, जो द्रव वन है उसका मोल अंश आपका वन है, और जो द्रव टू है उसका मोल अंश आपका जीरो है। देखो मैं एक जीरो तो एक वन ले रहा हूँ, एक वन पे एक जीरो ले रहा हूँ, इसका रीजन क्या है, क्योंकि आप जानते हैं जो भी विलय और विलायक होता है उनका मूल प्रभाज की मूल प्रभाज का योग हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अभी बताए तो थे एक्स वन प्लस एक्स टू का मान हमेशा वन होनी चाहिए, मूल प्रभाज का योग हमेशा वन होता है, किन का, तो विलयन का, ठीक है ना। तो एक का एक्स वन ले लिए तो एक्स वन का मान जीरो ले लिए, तो एक्स टू का मान वन लेंगे, जोड़ेंगे तो आपका वन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मोलों की संख्या ले लिए और यहाँ पर प्रेशर ले लिए, तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से जैसा। तो ये x2 आपका है, मतलब 0 से 1 होते जा रहा है, तो यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा वो p2 आपको लेकर चलते हैं प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा उसको हम लोग लेकर चलते हैं p1 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो नीचे x अक्ष वाला जो क्षैतिज है उसमें कौन सा अक्ष लेकर चल रही है, उसमें लेकर चल रहे हैं मूल प्रभाज मूल अंश लेकर चले हैं, और ऊपर वाले भाग में हम लोग लेकर चले हैं, वहाँ पर ऊपर वाले भाग में लेकर चले हैं वास्तव दाब को, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस करिए, होता क्या है कि स्टार्टिंग की बात करते हैं तो x अक्ष पर फोकस करिए, यहाँ पर x1 का जो मान है जीरो से घटते घटते वन चला जाता है, इसका मतलब इसका जो मान है वो बढ़ते चला जाएगा। आ यहाँ पर देखिए x2 का जो मान है वो वन से घटते घटते जीरो पर चलाता है, तो ये देखो x2 का मान जो है वो घटने घटते घटते चलाएगा, पूरा है घटते घटते आ गया। तो हई जोन हो गया आपका, ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया P2 समानुपाती हो जाएगा X2। कहने का मतलब है कि जब वास्तव दाब घट रही है तो मोलों की संख्या घट रही है, इसका मतलब ये हुआ। देखो यहाँ पर जो मोल अंश था आपका वन से जीरो हो गया, तो इसका मतलब है कि घट रहा है, तो इसका मतलब दाब से उसका घटने चलाएगा, क्योंकि दाब घटेगा तो उसका मोल अंश घटेगा, मोल अंश घटेगा तो उसका दाब घटेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो हो गया ना ये समानुपाती हो गया, P2 समानुपाती हो जाएगा X2 के। अब यहाँ फोकस करो, इसका जो वास्तव दाब यहाँ पर जो मूल अंश है एक्स वन, इसका मूल अंश जीरो से बढ़ते बढ़ते एक तक चला जाता है, यानी इसका मूल अंश बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा, एक्स तक, ठीक है, एक्स तक चला जाएगा। तो ये हो जाएगा पी वन समानुपाती हो गया एक्स वन। तो यही होता है राउल्ट के नियम का ग्राफ। देखो अभी आप जो राउल्ट का नियम पढ़े हैं वही तो प्रयोग करी गई है। देखो मान लो कि एक्स वन जीरो, एक्स टू आपका वन है, यहाँ पर एक्स वन वन है, एक्स टू जीरो है, ये लेने का रीजन मैं अभी बताया था कि दोनों का योगफल एक होनी चाहिए। देखो तो यहाँ पर सबसे ऊपर की बात करते हैं, यहाँ पर नीचे x2 का मान 1 है, और 1 से घटते घटते 0 हो रहा है, इसका मतलब मोल अंश घट रहा है, तो इसका प्रेशर घटेगा, इसका दाब घटेगा। तो देखिए दाब को घटा दिया गया, 0 पे ला दिया गया। अब अगले में बात करते हैं, x1 का मान 0 है, 0 से बढ़ते बढ़ते आपका x1 का मान 1 हो गया, इसका मतलब मोलों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, मोलों की संख्या बढ़ रही है तो उसका प्रेशर भी बढ़ने का काम करेगा, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। और मान लो कि आपको कुल दाब निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो कुल दाब के लिए क्या करेंगे, हर दोनों भाग को मिला देंगे, पी1 को पी2 से, तो ये हो जाएगा PT बराबर P1 अब प्लस हो जाएगा P2।
तो यही क्या निकल जाएगा, यही निकल जाएगा आपका कुल वाष्प दाब निकल जाएगा। तो समझ गए होंगे राउल्ट का नियम होता क्या है, बेटर से एक बार मैं समझा रहा हूँ राउल्ट का नियम होता क्या है। तो किसी भी द्रव्य बिलयन में, चाहे द्विअंगी बिलयन में, किसी भी द्रव्य बिलयन में प्रत्येक द्रव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, यही राउल्ट का नियम है। गौर फोकस करिए, किसी भी द्रव्य बिलयन में प्रत्येक द्रव का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, इसे हम लोग राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए राउल्ट का नियम की जो भी बेसिक बातें थी आप समझ गए। अब फोकस हम लोग करते हैं कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता वो क्या कहलाएगा, आज जो पालन नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा। जैसे मान लो कोनो राजा है, ठीक है ना, मान लो कोनो राजा है, ठीक है ना। अब राजा है तो राजा की जो बात मानेगा वो क्या कहलाएगा, मतलब वो तो राजा के करीबी ने कहलाएगा। जो राजा की बात मान रहा था राजा उसको अच्छा मानेगा, और नहीं मान रहा तो उसको अच्छा नहीं मानेगा। अच्छा एक छोटा सा मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखो एक बात याद रखना कि जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे आदर्श विलन, और जो पालन नहीं करेगा उसे अनादर्श विलन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात मानना और बात नहीं मानने की बात आ रही है, अभी इसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपको बात बता रहा हूँ, फोकस करेगा उसके माध्यम से बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगा। देखो एक बार की बात है कि जॉन अकबर थे, अकबर के पास कुछ पंडित लोग आया, कुछ महापंडित लोग आया, ठीक है ना। और वो अकबर से पंडित जॉन आया था, वो कुछ क्वेश्चन करना चाहता था, अकबर से क्या करना चाहता था, कुछ प्रश्न करना चाहता था। तो अकबर तो समझ जाता कि महापंडित है भाई, तो हमसे तो बहुत ज़्यादा भारी भारी ससुरा क्वेश्चन कर देगा, तो मुंह बात देंगे, आ राजा है हमारा इंसल्ट ही हो जाएगा अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे। तो अकबर क्या करता है, बीरबल को बुला लेता है, क्या उनके दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबले था, बीरबले के बुला लेता है अकबर। और जब बीरबल आता है ना, तो उस पंडित जो था वो पंडित जॉन था, बीरबल से कहता है कि देखो मैं तुमसे 100 आसान प्रश्न करूं या 1 हार्ड प्रश्न करूं, तुम कौन सा प्रश्न का जवाब देना चाहोगे। 100 आसान प्रश्न का जवाब देना चाहोगे कि 1 सिंपल सा प्रश्न का, 1 हार्ड प्रश्न का जवाब देना चाहोगे। तो बीरबल सोच समझ कर जवाब देता क्या है, बीरबल कहता है कि चलिए मैं आपके 1 कठिन प्रश्न का जवाब देता हूँ, 1 हार्ड प्रश्न का जवाब देता हूँ। तब पंडितों कहता है कि एक बात बताइए, पहले मुर्गी आई कि अंडा आई। लो अब बीरबल तो सोच में पड़ गए, ऐसा ससुरा क्वेश्चन कर दिया, कह रहे कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आई। अब आप ही बताइए पहले मुर्गी आया था कि अंडा आया, बता सकते हैं नहीं ना। देखो बीरबल यहाँ पर दिमाग क्या लगाता है, बीरबल कहता है कि बीरबल पहले सोच समझ लेता है और बोलता है कि पहले मुर्गी आई। अब पंडित कहता है कि यार ये कैसे हो सकता है पहले मुर्गी आई, मुर्गियों तो कहीं ना कहीं से जन्म लिया होगा ना। तब वहाँ पर बीरबल कहता है कि देखिए महाराज, आपने बोला था कि सिर्फ 1 प्रश्न का जवाब देना है, और ये जो आप कर रहे हैं दूसरा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए आप दूसरा प्रश्न मत पूछिए। आप तो बोलते कि 1 हार्ड प्रश्न का जवाब दीजिए, तो मैंने तो जवाब दे दिया, मुर्गी आंसर बोल दिया, लेकिन आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि उससे भी पहले कोई आया होगा, तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, मैं आपको दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, ये बात आप नहीं बोले थे, ठीक है ना। तो इन बातों से क्या हुआ था, अकबर जवान था बड़ा खुश हुआ, कहा कि वाह अकबर वाह, एकदम बहुत बढ़िया काम कहले बार। देखो वह यहाँ से सीख मिलती है, सीख ये मिलती है कि जॉन होता क्या है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो हर चीज़ का जवाब बड़ा सटीक देते हैं। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। वो छोड़िए, यहाँ पर आते हैं कि जो बात मानते हैं, जो राउल्ट के नियम की बात मानते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो आपका आदर्श विलयन होता है, आइडियल सॉल्यूशन उसको कहते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे राजा की बात बीरबल मानते थे, तो बीरबल राजा का एकदम बुद्धिमान कहने जवान बात मानेगा ना। देखिएगा अब मान लीजिए कि आप अपनी वाइफ का बात मानी, वो एकदम वाइफ था, करिए गोर दबने के लिए तो गोर दबिए ना, कहेगी एकदम कपड़ा खींचने के कपड़ा खींचिए ना, तब तो उसके लिए आप बहुत खास हो जाइएगा। औसाने होता है बात मानना, तो ऐसा विलन होता है जो राउल्ट के नियम की बातों को मानता है तो उससे हम लोग आदर्श विलन, और जो उनकी बातों को नहीं मानता है उसे अनादर्श विलन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जो बात मानेगा वो आदर्श, जो बात नहीं मानेगा अनादर्श, ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग आदर्श और अनादर्श के बारे में विस्तार से जानते हैं। अब देखिए आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है आदर्श और अनादर्श में देखते हैं। अभी तक तो आप राउल्ट के नियम को समझ चुके हैं, अभी मैं बताया था कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम की जो बातों को मानते हैं उसे आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम की बातों को नहीं मानते हैं उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अभी तो मैं आपको समझाया था एक थ्योरी, क्या समझाया था फोकस करिएगा, बताए थे कि जो आपका जो पहले का द्रव होता है, मतलब जो द्रव है उसका जो मतलब वाष्प दाब जो होता है वो समानुपाती होता है मोल अंश के। इसका मतलब P1 बराबर लाया गया था, P1 बराबर लाया गया था P1
नॉट एक्स वन, ठीक है ना। आप पी टू बराबर साबित किए थे पी टू नॉट एक्स टू, यही ना लाया गया था। इसका मतलब इन ये रॉल्ट का नियम है, जो रॉल्ट के नियम की बातों को मानता है उसे आदर्श विलयन, तो आदर्श विलयन इनकी बातों को मानता है, लेकिन अनादर्श जोन विलयन होता है वो इनकी बातों को नहीं मानता है। इसका मतलब हो गया कि पी वन इज नॉट इज इक्वल आपका पी टू नॉट जीरो, पी टू नॉट एक्स वन हो जाएगा, पी वन नॉट एक्स वन हो जाएगा, और पी टू इज नॉट इज इक्वल हो जाएगा आपका पी टू नॉट एक्स टू, यही ना होगा। जब बात को नहीं मान रहा है इसका मतलब कि वास्तव दाब उसके मूलंश के समानुपाती नहीं होगा, ये बातों को मान रहा है, लेकिन ये जो अनादर्श विलयन होता है इनकी बातों को नहीं मानता है। अब सोचिए, मतलब बराबर नहीं है, बातों को नहीं मानता है, तो इसका मतलब वास्तव दाब या तो इनसे कम होगा या नहीं तो अधिक होगा, तो ही ना कंडीशन बनेंगे। तो यहाँ पर जरा सा कंडीशन देखते हैं। पहला जो कंडीशन यहाँ से बनेगा, यहाँ से कंडीशन क्या बनेगा कि जो पी वन है वो बड़ा हो सकता है पी नॉट वन एक्स वन से, ठीक है ना। आप P2 है वो भी बड़ा हो सकता है पी टू नॉट एक्स टू से, ये पहला कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, छोटा भी हो सकता है जो P1 है वो छोटा हो सकता है पी वन नॉट एक्स वन से, और उसके बाद P2 छोटा हो सकता है पी वन नॉट एक्स टू से, यही ना आपका कंडीशन बन सकता है। ये बराबर नहीं होगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं का मतलब बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, या तो वो बड़ा हो सकता है नहीं तो छोटा होगा। बराबर नहीं होने का मतलब या तो वो बड़ा हो सकता है नहीं तो छोटा होगा, दो ही कंडीशन वहां पर बनेंगे, ठीक है ना। तो देखो, जब मान लो कि वास्तव दाब मोल अंश से बड़ा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसे विलयन को हम लोग जानते हैं कौन सा धनात्मक धनात्मक विचलन कहते हैं, कौन सा धनात्मक विचलन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आगे बताऊंगा आपको, प्लस विचलन उसको कह सकते हैं, चाहे प्लस धनात्मक विलयन उसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो धनात्मक विचलन इसको कहेंगे, धनात्मक इसको प्लस लिख देते हैं, प्लस विचलन कहेंगे, विचलन या विलयन भी कह सकते हैं। आ इसको कहेंगे ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन माइनस लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन होती क्या है, इन पर मैं ऑलरेडी एक आगे आपको वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार इससे संबंध भी क्वेश्चन करता है। तो जब बड़ा होगा, जब वास्तव दाब मोल अंश से बड़ा होगा, इसका मतलब धनात्मक विचलन हो गया, और जब छोटा होगा तो इसका मतलब वो ऋणात्मक विचलन हो गया, ठीक है ना। तो जब बराबर नहीं होंगे तो आपका दो कंडीशन बनेगा, एक बड़ा का एक छोटा का, दो ही ना कंडीशन, बराबर नहीं है तो दो, बड़ा है तो छोटा, बड़ा होगा तो धनात्मक विचलन, छोटा होगा तो ऋणात्मक विचलन बनेगा, ठीक है ना। तो के नियम का ये पालन नहीं करते हैं, पालन करते हैं आदर्श विलयन, लेकिन अनादर्श विलयन पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण से अनादर्श विलयन दो तरह का हो जाते हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो क्या होता है कि आदर्श विलयन में जब द्रव के अवयवों को मिलाते हैं, मिश्रित कर देते हैं, जब अवयवों को मिला देते हैं, और मिला देने के बाद देखी जाती है तो उनका जो एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा, ठीक है ना। साइंस में केमिस्ट्री में ऊर्जा को हम लोग एंथैल्पी के नाम से जानते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो जो इसका ऊर्जा परिवर्तन होता है साफ शून्य होता है, किसका, इसी का, किसका, तो आदर्श विलयन का। यहाँ पर ऊर्जा परिवर्तन है डेल्टा एच, ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, शून्य होता है, जीरो होता है, याद रखिएगा, किसका, आदर्श विलयन का। इसका जो एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब जो अवयव को मिश्रित करेंगे, द्रव के अवयव को मिलाएंगे और मिश्रण के बाद देखेंगे कि यहाँ पर ऊर्जा का कितना परिवर्तन हुआ, एंथैल्पी का कितना परिवर्तन होता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ होता है, जीरो के बराबर रहता है, यानी डेल्टा एच का मान हो जाएगा जीरो। लेकिन इधर क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता ही नहीं है, बराबर शून्य के बराबर नहीं होगा, या तो शून्य से बड़ा नहीं तो छोटा होता है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं डेल्टा एच इज नॉट इज इक्वल जीरो, ठीक है। अगला देखिए, अब क्या होता है कि जब अवयव को मिश्रित करी जाती है तो अभी देखे थे उसका ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है, लेकिन जब आयतन भी देखी जाती है ना, मतलब पहला द्रव है दूसरा द्रव, दोनों द्रव को मिला देंगे तो पहले और दूसरों को मिलाया गया, ठीक है ना, मिलाया गया। जैसे यहाँ पर फोकस करिए, ये आपका द्रव ए है, फिर ये द्रव बी है, ठीक है ना। जब इनको मिलाएंगे तो आपका ए प्लस बी का द्रव दोनों मिलकर बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो इसका जितना आयतन होगा उसका तो उतना आयतन तो अगले वाले विलयन का भी होगा ना। द्रव और विलायक दोनों को, मतलब द्रव द्रव को मिला रहे, विलय और विलायक को मिला रहे, तो यहाँ पर जितना आयतन होगा उतना विलयन का भी आयतन होगा। मतलब परिवर्तन जो होता है ना, शून्य के लगभग लगभग बराबर होता है, यानी यहाँ पर आयतन परिवर्तन नहीं होता है, शून्य के बराबर होता है, एकदम जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो आयतन परिवर्तन यहाँ पर क्या होता है, शून्य होता है, यानी इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी बराबर जीरो। यहाँ पर आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता, बड़ा होगा या तो छोटा होगा, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी इज नॉट इज इक्वल जीरो। अब चौथा देखो, चौथा क्या अंतर है आदर्श और अनादर्श विलयन में, होता क्या है कि विलय विलय का आकर्षण और विलायक विलायक का आकर्षण लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं। तो जब विलय विलय का आकर्षण, विलय विलय का मतलब मान लो ए विलय है तो ए भी आपका विलय होगा, बी विलायक है तो बी भी विलायक होगा। तो विलय विलय का आकर्षण, सेम का सेम से आकर्षण, फिर दूसरे का आकर्षण से मिलाते हैं तो आपका बन, मान लो कि लड़का लड़की का आकर्षण मिलेगा तो भाई कुछ नया बनाएगा, ये तो फिक्स है। यहाँ पर वैसे ही है, विलय और विलायक मिल रहा है, यानी विलय विलय का आकर्षण और विलायक विलायक का आकर्षण मिल रहा है तो बना देगा विलय और विलायक का आकर्षण, लड़का का आकर्षण लड़की का आकर्षण,
दोनों मिलेगा तो एक नई पदार्थ बन जाएगा, उसे ही होता है आदर्श विलयन में। इसमें विलय विलय का आकर्षण, विलायक विलायक के आकर्षण जब दोनों मिलते हैं तो विलय और विलायक के आकर्षण के बराबर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि विलय विलय का आकर्षण देख सकते हैं और विलायक विलायक का आकर्षण बराबर नहीं होते हैं विलय और विलायक के आकर्षण के, या तो ये बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा, यही दो कंडीशन आपके बनते हैं। तो ये चार अंतर आपका हो गया आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ठीक है ना। तो आपको बेटर से ये बातें समझ में आ गई होगी कि राउल्ट का नियम क्या है, इसमें अनादर्श विलयन और आदर्श विलयन में अंतर क्या होता है, ये सारी बातें आपको बेसिक से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग अनादर्श विलयन का जो प्रकार है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, इसके बारे में बेसिक से जानकारी हासिल करते हुए फिर मिलेंगे।